स्वस्तिक एंड यू आर वॉचिंग कॉलेज गाइड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड कॉलेज टॉक्स के एपिसोड नंबर 5 में। पिछले एपिसोड में हमारे जो जो कमेंट छूट गए थे, इस एपिसोड में हम वो सारे कमेंट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हम इस तरह के एपिसोड कॉलेज टॉक्स # कॉलेज टॉक्स के माध्यम से आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सारे कॉलेजेस से रिलेटेड, और सारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले कमेंट से। ओके, तो हमारे पास पहला कमेंट है शिशुपाल भारती जी का। शिशुपाल कहते हैं, सर बीए में आईटीआई एनसीवीटी से फॉर्म फिलअप किए थे जी, सीएलसी अभी नहीं मिला है और माइग्रेशन आईटीआई में नहीं मिलता है, तो कैसे होगा? और कॉलेज में माइग्रेशन मांगता है, प्लीज़ हेल्प। देखो, कॉलेज में माइग्रेशन मांगता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे संस्थान से आ रहे हैं जहाँ पे माइग्रेशन मिलता ही नहीं है, तो आप कहाँ से माइग्रेशन देंगे? जब अगर उस संस्थान में माइग्रेशन मिलता ही नहीं है, तो आप माइग्रेशन नहीं दे पाएंगे। इनकेस अगर CLC भी आपके पास नहीं है, तो आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे, और उस फॉर्म को भर करके आपको जमा करना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अंडरटेकिंग का फॉर्म क्या है, तो मुझे कमेंट करके बताएं। जितने भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं अंडरटेकिंग के फॉर्म के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो अगला कमेंट ले लेते हैं। ओके, बड़े दिनों बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी छोड़ के अब पटना यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं। सर, पटना यूनिवर्सिटी में BSc एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोई बुक PDF सजेस्ट कीजिए। देखो भाई, सबसे पहली बात कि अगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है एंट्रेंस, तो सबसे पहले तो यार जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, अगर तुमने BSc में फिजिक्स लेना है, BSc में मैथ्स लेना है, BSc में क्या लेना है, उसके हिसाब से बुक सजेस्ट करनी होगी। दूसरी बात कि यार तुम्हारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाएंगी। देखो, अगर तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो तुमने BSc की पढ़ाई तो की नहीं अभी, तो तुम्हारी जो 12th में पढ़ाई हुई है उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। अब जो तुम्हें चीज़ें अलग आएंगी, वो हो सकता है थोड़ा सा GS, मतलब जनरल स्टडीज़, GK वगैरह, थोड़ी सी रीजनिंग, ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी ताकि पेपर को थोड़ा ट्विस्टिंग बनाया जा सके, ठीक है। तो ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है कि आप मतलब जाकर के यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए वो बुक ले लें। हाँ, मार्केट में अभी उपलब्ध हैं, लेकिन वो चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ छोटी मोटी किताबें हैं जो GK या GS में मदद कर सकती हैं, उनका लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या ख़रीद सकते हैं उन किताबों को। लेकिन मेरी राय होगी कि आप जो पिछली बार 12th में आपने जैसे तैयारी की थी, वो ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ी मोड़ी GK आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना होगा, और आपको देखनी होगी एप्टीट्यूड रिलेटेड किताबें और साथ में रीजनिंग, ठीक है। अगला सवाल है सविता कुमारी जी का कि मैंने AN कॉलेज में फ़ी पेमेंट कर दिया है, फ़ी रिसिप्ट भी मिल गया है, लेकिन अभी तक यक नहीं तक ओके एडमिशन कंफर्म का कोई मेल या SMS नहीं आया है, ओके रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कोई खबर नहीं है, आज लास्ट डेट है, कॉलेज वाले कॉल भी नहीं उठाते हैं, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? देखो, अब तो यार लास्ट डेट हो गई है, और अब संभव भी नहीं है कि आप कॉलेज जाएँ। तो मेरी मानिए कि आपका अगर फ़ी रिसिप्ट मिल चुका है आपके पास, है कि आपने पेमेंट कर दिया है, आपका कंफर्मेशन का कोई ईमेल नहीं आया है, तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि कंफर्मेशन के ईमेल सर्वर के स्लो होने या साइट के स्लो होने की वजह से नहीं आ रहा है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप रजिस्ट्रेशन का वीडियो जाकर देखें, और आपको सारी क्वेरीज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगला कमेंट है हमारे पास रितेश देव। पेमेंट 00 बता रहा है, क्या करें? देखो भाई, पेमेंट 00 बता रहा है, अगर आपका पेमेंट हो गया, बैंक से कट चुका है, फिर भी 00 बताया, 100 बताया, कुछ बताया, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बैंक से एक बार पेमेंट कट चुका, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको 20 बार पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है कि जब तक आपके पास आपको कोई स्पेशल नोटिस नहीं दिया जाता कि आप दोबारा पेमेंट करें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार पेमेंट हो गया, बैंक से पेमेंट कट गया, अब आप इंतज़ार करें, नोटिस आपको देर से मिलेगा, क्योंकि हो सकता है सर्वर साइट स्लो है, ओके इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये पेमेंट 00 हो रहा है, बहुत कमेंट आ रहे हैं, लगता है बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। मैं ले आऊँगा वीडियो भी जल्दी ही। ओके, अगला कमेंट है हमारे पास इरशाद अंसारी। ओके, अंसारी जी कह रहे हैं, एडमिशन का पता नहीं पर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया। ओह वाह वाह, नया केस, सुनो भाइयों, एडमिशन का पता नहीं पर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया है, अब कैसे पता रहेगा एडमिशन कंफर्म हो गया है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाकर के देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन आपका केस क्योंकि बहुत मज़ा आ गया, एडमिशन का आपको कुछ जानकारी नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपका मैसेज आ चुका है, वो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे जरूर जाकर देखें, और मैं आशा करता हूँ आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। अब है अगला कमेंट हमारे पास सौरभ कुमार जी का। सर, 48 घंटे हो चुके हैं, बट अभी तक केवल
फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कमेंट मैंने पहले भी ले रखा है क्या। हाँ लगता है मैंने पहले कमेंट ले रखा है। ओके कोई बात नहीं, इसमें भी बता देते हैं अगर ले ही दिया तो। केवल फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, वेरिफिकेशन का कोई मैसेज नहीं आया है, क्या करें कॉमर्स कॉलेज। अच्छा लगता है मुझे मैंने कमेंट ले रखा है। देखो यार फिर बता देता हूँ कि कुछ हो जाए, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल चुकी है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वेरिफिकेशन आएगा, ज़रूर आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। यार साइट और सर्वर में स्लो हो गई है, क्योंकि यार बहुत सारे प्रोसेस जो है ना ऑनलाइन, ये कॉलेजेस के लिए भी नए हैं, यूनिवर्सिटी के लिए नए हैं ये प्रोसेस, तो इस वजह से इनको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है वेबसाइट पे, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ मर्ज अप हो गया है। तो समझने की कोशिश करो, आपको इंतज़ार करना होगा थोड़ा, ठीक है। सौरभ मुकेश सिंह क्या कह रहे हैं, सौरभ प्लीज़ गिव यू मोबाइल नंबर, मेरा भी कॉमर्स कॉलेज में हो गया। अच्छा दोस्ती यार यहीं से शुरू हो गई, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप लोग अपना बातचीत कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि आपको सारी प्रॉब्लम, जितनी भी आपकी सारी प्रॉब्लम की क्वेरी मिली होगी। अगर वीडियो में पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने हिसाब से लाइक या डिसलाइक करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी।